हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज़। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे 2023 के, इन फ्यूचर भी होंगे, वो कुछ बच्चे होंगे जो आज नहीं, ये वीडियो आज से मतलब डालने के 3 महीने बाद देख रहे होंगे, 4 महीने बाद देख रहे होंगे। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, ये 2023 का पहला वीडियो है जिसपे हम 2023 पे पहली वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर आप आर्किटेक्चर एज अ करियर चूज करने जा रहे हो तो आपको इन सब क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और आपको इन सब क्वेश्चंस के बारे में रिसर्च करना चाहिए। ठीक है, देखो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ समझा दूंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम्स क्या होती है, ड्रीम कॉलेजेस क्या होता है, सिलेबस क्या है, इन सारी चीज़ें पे हम बात करेंगे। ठीक है, दो काम आपको करना है। सबसे पहले एक हमारा वेबिनार है, उसका आपको फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, दूसरा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आपको काम है, मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का, वो आप ज्वाइन कर लो। अगर आप बीआर के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले तो अपने फ़ोन में या फिर आपके पेरेंट्स के फ़ोन में आप टेलीग्राम करके एक ऐप है इंस्टॉल कर लो और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे कि आगे की जो भी वीडियोस होगी, अपडेट होगी, सिलेबस होगी, क्लासेस होगी ऑनलाइन या फिर पब्लिक क्लासेस होगी, प्राइवेट क्लासेस होगी, जो भी होगी, सब कुछ टेलीग्राम पे ही होगा। तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जैसा कि आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि भैया आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक वर्क नहीं कर रहा या फिर आपके टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करें, तो आप मेरे किसी भी वीडियो को ओपन कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करके आप डायरेक्ट भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच सकते हैं। अगर किसी भाई का लिंक ओपन नहीं हो पा रहा है तो उनको क्या करना है, उनको यहां से जाकर के लिंक्स कॉपी करनी है। ठीक है, जैसे ही आप लिंक्स कॉपी करोगे, यहाँ पे जाकर के आप लिंक पूरा कॉपी कर लेना, टेलीग्राम चैनल पूरा। ठीक है, और आपको चले आना है आपके सेव्ड मैसेज में। ठीक है, आप सर्च करके भी सेव मैसेज ले आ सकते हो, सेव मैसेज जैसे ही आप सर्च करोगे सेव मैसेज आपका आ जाएगा। ठीक है, सेव मैसेज पे आपको क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको हमारा चैनल का लिंक खुल जाएगा, फटाफट आप चैनल पे आकर के चैनल ज्वाइन कर लोगे और हमारे पास एक छोटा सा ग्रुप है, अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसपे आज हम बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, देन फिर हम एंट्रेंस एग्जाम और ड्रीम कॉलेजेस पे वीडियो बनाएंगे और एक प्रोसेस वे में आपको आगे की तरफ लेके जाएंगे जिसमें आपका प्रिपरेशन, जिसमें मे बी आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, ठीक है, जिसमें मैं आपको अगर कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ। ठीक है, आप अगर करियर आर्किटेक्चर एज अ करियर चूज कर रहे हो तो सबसे पहले आपको आर्किटेक्चर क्या है ये समझना होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप आर्किटेक्चर कर ही लो, तो पहले तो उसे समझो कि वो क्या है, हम उसके लिए तैयार हैं कि नहीं है, क्या 5 साल बाद वो हमारा करियर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, पहले हम रिसर्च कर लेते हैं फिर हम उस चीज में उतरते हैं। ठीक है, पहले तैरना सीखोगे फिर जाकर के तैरोगे ना, ऐसा थोड़ी होगा कि तैरने का पहले तरीका सीखोगे, वीडियो देखोगे, कुछ तो देखोगे, कुछ तो रिसर्च करोगे ना उस पार्टिकुलर चीज के पीछे कि ऐसे ही निकल गए तो नहीं होता भैया। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे जो मैं पहले के 5 क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, आज आप ये 5 क्वेश्चन सर्च करो, अगर आपसे ये 5 क्वेश्चन नहीं होता तो नीचे मैंने कह दिया वेबिनार का लिंक है, वहां पे जाकर के गूगल फॉर्म फिल कर दो, अपना रजिस्ट्रेशन करा दो, मैं वेबिनार 27 तारीख को लूंगा। इन सारे क्वेश्चंस के अलावा मैं 10 और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे बात करूंगा, तब आपको क्लियर होगा कि क्या आर्किटेक्चर क्या है, व्हाट इज आर्किटेक्चर, व्हाई आई एम चूजिंग आर्किटेक्चर एज माय करियर, कि आर्किटेक्चर को हम क्यों चूज कर रहे हैं, मतलब अपने करियर में हम क्यों चूज कर रहे हैं। ठीक है, क्या हमें वो पसंद है, नहीं पसंद है, क्यों पसंद है, तो मैं इंटरेक्शन करूंगा बच्चों के साथ और आपसे बात करूंगा तो मेरे को क्लियर होगा कि एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो आपको वेबिनार ज्वाइन करना है। ठीक है, 2023 के जितने बच्चे उनको वेबिनार ज्वाइन करना है। ठीक है, क्या आर्किटेक्चर 5 साल बाद आपका करियर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, और बनाएगा तो कैसे बनाएगा, किस फील्ड में बनाएगा, वो गवर्नमेंट सेक्टर होगा, प्राइवेट सेक्टर होगा, या खुद का काम आपको शुरू करना पड़ेगा। ठीक है,
ये सारी चीजें पे हम बात करें। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपके पास क्रिएटिव माइंड है कि नहीं है। देखो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि भैया मेरे को ड्राइंग नहीं आती, क्या मैं आर्किटेक्चर एज अ करियर चूज कर सकता हूं? भैया कोई मतलब नहीं है, अब वो टाइम आ गया है कि स्केल पे स्केल से लाइन खींचनी आती है ना काफी है। अब वो टाइम आ गया, सारा काम ना सॉफ्टवेयर पे होता है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर या फिर मे बी थर्ड सेमेस्टर तक आपको सीट्स वगैरह यूज करने होते हैं, ठीक है, शुरू के 2-3 सेमेस्टर यूज करने होते हैं, उसके बाद सारा काम ना अब सॉफ्टवेयर पे होता है, ठीक है। वो जमाना बहुत पुराना था जब सिर्फ ड्रॉइंग क्रिएट करनी होती थी, अब सारा काम सॉफ्टवेयर पे ही होता है, ठीक है। और रही बात ड्रॉइंग की ना, तो ड्रॉइंग आपको कॉलेज सिखा देगा, जब आपको 50 सीटें मिलेगी ना तो कॉलेज खुद ब खुद सिखा देगा, ड्रॉइंग आपको सीखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मतलब नहीं आता है तब भी आप आर्किटेक्चर एज अ करियर चूज कर सकते हो। तो आपके पास क्रिएटिव माइंड होनी चाहिए। क्रिएटिव माइंड आप कैसे चेक करोगे, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्चर एंड अदर रिलेटेड कोर्स, देखिए बहुत सारे बच्चे पूछते हैं भैया मेरे गार्जियन कह रहे हैं सिविल इंजीनियर कर लो, आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियर सेम होता है। तो जो रिलेटेड कोर्स है आर्किटेक्चर के साथ रिलेटेड कोर्सेस है, उसमें डिफरेंस क्या है ये भी आपको पता रहना चाहिए। इससे करेंगे तब क्या होगा, इससे करेंगे तब क्या होगा, आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। दोनों के काम अलग हैं, दोनों के बिना एक बिल्डिंग नहीं बनती, ठीक है, और दोनों के वर्क ना अलग अलग है, ठीक है। तो ये सब भी डार्क साइड क्या क्या है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है डार्क साइड, कि डार्क साइड क्या क्या है आर्किटेक्चर का, ये हमें क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो ये मैंने 4-5 क्वेश्चंस दिया है, आप रिसर्च कर लो। अगर आपसे रिसर्च नहीं हो पाता है तो आपको क्या करना है, आपको हमारा गूगल फॉर्म फिल कर लेना है। सेमिनार के थ्रू मैं ये ऐसे ऐसे 10 क्वेश्चंस का रिप्लाई दूंगा, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, फिर आर्किटेक्चर एज अ करियर हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्रिपरेशन अपना एंट्रेंस एग्जाम।